हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अरिबम इलेक्ट्रिकल वर्क्स में। दोस्तों आज जो है एक और नया वीडियो के साथ आया हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों ये ड्रिल मशीन का जो है एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसका जो है सॉल्यूशन आप लोग को दिखाएंगे। तो ये मशीन को मैं खोल के रखा हूँ ऑलरेडी। तो ये देखिए, फील्ड कोयल वगैरह सब कुछ मैं चेक कर लिया हूँ, लेकिन ये आर्मेचर का जो साथ ये जो गियर लगा होता है, ये जो है हम लोग का जो है ध्यान इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन इसको जो मैं उठा करके इसको घुमा के देखा, तो ये देखिए, ये गियर का ऊपर जो बियरिंग लगा हुआ है एकदम इतना ज़ोर से पकड़ा हुआ है बियरिंग। इसको मैं ज़ोर से घुमाने के बाद भी जो है बियरिंग जो है बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों अब पहले बियरिंग को मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को चैनल में अगर अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को जो है कुछ भी अपडेट जो है हम मैं जो हूँ जो कभी भी कुछ भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और जो है दोस्तों कुछ भी आप लोग को समस्या है, डाउट है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग का प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये समस्या जो है देखिए, मैं जो हूँ अगर वो गियर जो आर्मेचर के साथ जो गियर लगा है उसको अगर मैं घुमा के अगर नहीं देखेंगे तो जो है मुझे भी जो है पता नहीं चलता कि ये गियर का वजह से ही बियरिंग का वजह से जो है समस्या जो है ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये मशीन का जो ऑनर है वो ला के जब दिया तो उसने कहा कि मशीन जो है पावर वगैरह सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मशीन जो है बिल्कुल नहीं घूम रहा है। तब तो मशीन ऐसा प्रॉब्लम अगर होता है तो जब आप ट्रिगर को दबाएंगे मशीन जो है पावर को एक्सेप्ट करने के बाद जो है आर्मेचर जो है बिल्कुल भी नहीं घूमता है, और जो है कुछ आवाज़ निकलता है अंदर से, जिससे पता चलता है कि मशीन जो है मशीन तक जो है फील्ड कोयल आर्मेचर तक जो है पावर तो पहुंच रहा है, लेकिन आर्मेचर जो है नहीं घूम रहा है। तो देखिए ये बियरिंग बिल्कुल भी नया है, और ये बियरिंग को देख करके जो है कोई भी डाउट नहीं करेगा कि ये बियरिंग की वजह से जो है आर्मेचर को नहीं घुमा पा रहा है। तो देखते हैं, मेरे पास इसका साइज़ का इसका नंबर का जो बियरिंग है मेरे पास है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मैकेनिक नहीं हो और जो है ये ड्रिल मशीन वगैरह चलाते हो, तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा समस्या होता है तो मशीन जो है पावर एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन मशीन जो है नहीं घूम रहा है, तो अंदर से कुछ आवाज़ निकलता है तो आपको पता चलता है कि मशीन जो है पावर तो पहुँच रहा है फील्ड को अलार्म मोचर तक, लेकिन मशीन जो है नहीं घूम रहा है। तो आप मशीन को जो है बिल्कुल भी मत चलाइएगा, मशीन को जो है तुरंत ही बंद कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप अगर 5-10 मिनट तक अगर जो है मशीन का ट्रिगर को दबा करके चलाने की कोशिश करेंगे, आपका जो है आर्मेचर या फील्ड कोयल जो है चला जाएगा, फिर आपको जो है खर्चा ज़्यादा लगेगा और जो है कभी कभी जो है नया मशीन भी लेना पड़ेगा। ये देखिए बियरिंग का नंबर है 803। तो दोस्तों ये बियरिंग को लगा करके एक बार चेक करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, अगर ऐसा समस्या कुछ होता है आपके साथ तो जो है आप अगर आपको आपको कुछ नॉलेज है तो आप जो है खोल करके चेक कर सकते हो, या तो कोई मैकेनिक के पास जो है ले जा करके आप मशीन को चेक करा सकते हो। लेकिन मशीन को मत चलाइएगा, क्योंकि ऐसा समस्या जो है मशीन का ही नहीं है, ड्रिल मशीन का ही नहीं है। कोई भी मशीन हो या मोटर पम्प वगैरह जो फैन वगैरह जो भी है, अगर पावर जो है अंदर मशीन के अंदर पहुंच रहा है और जो है मशीन नहीं घूम रहा है, तो मशीन जो है उसको चलाना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा अगर आप चलाएंगे तो मशीन जो है मैग्नेटिक जो है मैग्नेट जो है नहीं बन पाता है और मशीन को घुमा नहीं पाता है, तो मशीन जो है उसका कोयल वगैरह जो है जलने का बहुत 100% चांसेस रहता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, जो है प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा।
और दोस्तों आप प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये देखिए अभी मेरा गियर जो है बिल्कुल भी इतना फ्री में घूमने लगा है। अभी पहले जो है मैं दोनों हाथ से इसको घुमाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बिल्कुल भी नहीं घूम रहा था। और समस्या जो है ऐसा जगह में है कि हम लोग का जो है ध्यान उसमें पड़ेगा ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको फिटिंग करके एक बार सप्लाई दे करके चेक करते हैं इसको। तो दोस्तों ये फिटिंग करने का तरीका जो है शायद आप लोग को पता होगा। पहले जो है आप आर्मेचर को लगाइएगा, लगाने के बाद जो है ये फील कोयल को थोड़ा उठा करके जो है आर्मेचर को लगाने के बाद ये गियर वगैरह अपना जगह में प्लेस करने के बाद जो है उसके बाद ही जो है सामने का जो चंक पार्ट है हेड का पार्ट है उसको लगाइएगा। और लास्ट में जो है आपका जो पीछे का तरफ का जो पार्ट्स है ये कार्बन ब्रश वगैरह जो भी है उसको लगाइएगा। और दोस्तों ये हेड और जो चंक है ये गियर वगैरह सब कुछ लगाने के बाद जो है आर्मेचर को एक बार घुमा करके देखिएगा ये चंक के साथ। अगर मशीन जो है फ्री नहीं घूम रहा है तो जो है कवर वगैरह मत लगाइएगा, मशीन जो है आपका बराबर नहीं बैठा होगा जिसका वजह से जो है आपका चंग वगैरह जो है नहीं घूम रहा होगा। तो उसको अच्छी तरह से बिठाने के बाद जो है कवर को लगाइएगा। तो लास्ट में जाकर के आप जो है पीछे तरफ को ये जो कार्बन ब्रश वगैरह स्विच वगैरह है ट्रिगर वगैरह है इसको लगाइएगा। और जो है ये जितना भी कनेक्शंस का वायर्स है इसको अच्छी तरह से जो है इसका खाँचा बना रहता है अंदर, तो ये खाँचा में अच्छी तरह से लगा करके वायर्स को जो है अच्छी तरह से छुपा करके रखेगा। क्योंकि अब अगर वायर्स वगैरह को जो है ऊपर ही छोड़ देंगे तो जो है कवर लगाने का समय जो है कवर में भी ये बीच बीच में जो है खाँचा बना रहता है तो उसका जो है ऊपर आने की वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये फिटिंग करने के बाद मशीन को चला रहा हूँ बिल्कुल भी ओके है। तो दोस्तों वीडियो में बने